अब ये डिपेंड माहिया पे करता है कि क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि विनर है। देखो जिसके पास रेसलिंग में भी ये होता है ना, वो कर टाइटल लेगी, करना तो चाहिए। टाइटल जिसके पास टाइटल होता है उसके पास ये भी इख्तियार होता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। अब ये उसके हिम्मत पे है कि वो करना चाहे ना करना चाहे, ये सब उस पे है। लेकिन अगर कोई रीमैच होता भी है तो वो नेक्स्ट सीजन के शुरू में होगा, ये सीजन तो वो विनर है। जब मैं एलिमिनेट हुआ था मैंने अपने कमेंट में भी याद बोली है ये बात कि यार मुझे दिल चाह रहा था मैंने मारूं, लेकिन शो को गंदा नहीं करना था ना वहाँ पे। शो की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वकार भाई की रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ पे, तो क्यों मैं मारता उन लोगों को। एलिमिनेट हुआ था, गलत एलिमिनेट हुआ था जहाँ तक मुझे लगा था, लेकिन मैंने उन पे हाथ नहीं उठाया क्योंकि एक चीज होती है कि रिस्पेक्ट होती है। जब मारिया वोट आउट हुई उसने जाके निमरा को फिर मारा, तो मारना क्यों नहीं चाहिए। जब भी आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर तो शानी ने भी बोला था ये जुमला कि मारा कूटी मच गई। इनफैक्ट के फिनाले के अंदर हम लोग इसके लिए इतना बाहर आवाम खड़ी हुई थी, एक दफा बोलने की देर थी और उसी वक्त लड़के पागल अंदर भाई तुम इशारा करो इसको यहीं गाड़ देंगे हम। हमने क्यों नहीं किया भाई, हमारा कॉन्टेस्टेंट है यार, शो था खत्म हो गया, खत्म करो चीज। हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। जब घूमने की बारी आई तो हम ही हमें साथ लेके घूम रहे वाले मेहमान आते हैं तो हम लोगों ने उनको घुमाया फिराया। घूमने के वक्त में तो कराची वाले होते हैं ना कि वो घुमाते हैं फिराते हैं, तो लेकिन वो हम ऐसा नहीं करना चाहते। वो तो उन लोगों ने स्टार्ट किया था कि भाई हम इस्लामाबाद। फेसबुक पे मैंने देखा आप लोगों की बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं, उसमें तो नहीं लग रहा झगड़ा है। तो लोग ये समझते हैं कि आप लोग कोई पेड एक्टर है या एक्ट्रेस है, पैसे मिलते हैं आपको। नहीं नहीं ये तो मैं इस शो में आया इस चीज़ के लिए, क्योंकि उससे लास्ट सीजन में मुझे भी बोला गया था यार शो फेक है, लेकिन मैं इस शो का कंटिन्यूस जो है ना मैं इसको देखता हूँ शुरू से, फर्स्ट सीजन से, इस वजह से मैं आया और मैंने खुद देखा कि कुछ फेक नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये फेक वाली बात जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दफा जब भी ऑडिशन होते ना शुरू में खड़े होकर बोल रहा था देखो यार अंदर आके, तुम जब ऑडिशन में आते तुमने देखा होगा। कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे अपनी बेइज्जती तुम खुद करवाओ, यानी यार समझा देते कि यार यहाँ ऑडिशन ले रहे हैं तुम्हारे लिए है, तमीज से दो, तमीज से सेलेक्ट हो, डेयर करो या कॉन्फिडेंस लेवल। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मैं ये बोलूँ कि यार ये तो हैंड दे रहे।